कन्नौज रेप कांड में एसपी नेता नवाब सिंह यादव का नाम आने के बाद अखिलेश यादव ने बगैर किसी का नाम लिए तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल कन्नौज बहुत ही हेडलाइन में और इसके लिए सरकार को उन्होंने धन्यवाद अदा किया कमेंट करते हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। ठीक एक हफ्ते बाद गैंडसैंण में विधानसभा सत्र होगा तो पहले दिन धरना देकर पूर्व सीएम हरीश रावत वहां राजधानी खोजेंगे। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत 12 साल पहले भी धरना ही देते थे जब कांग्रेस की सरकार ने पहली बार वहां शुरुआत की। इक्कीस अगस्त को जब गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा तो उस दिन पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में धरना देकर राजधानी खोजेंगे। करीब 12 साल पहले जिस गैरसैंण में सीएम रहते हुए विजय बहुगुणा ने एक शुरुआत की थी, तब से 12 साल बीतने के बाद भी गैरसैंण सियासी अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी गर्मियों की राजधानी बनाना अपनी उपलब्धि बताती है और कांग्रेस को वहाँ राजधानी जैसा कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस का कहना है कि जहां डीएम भी ना बैठता वो राजधानी कैसी। वहीं बीजेपी का कहना है कि 12 साल पहले भी हरीश रावत धरना दे रहे थे और आज भी धरना दे रहे हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री रहे तो 3 साल में गैरसैंण के लिए कुछ नहीं किया। उस समय भी इस तरह धरने का कार्यक्रम किया था कि यहां पर राजधानी होनी चाहिए और उसके बाद तकरीबन 3 वर्ष तक रावत जी मुख्यमंत्री रहे, तब उन्हें गैरसैंण की याद नहीं आई। यार इनका राजनीतिक जो चरित्र है जिसमें दोहरी मानक है, उसका प्रतीक है कि जब आप जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो और राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने ये निर्णय न लिया हो, मुझे लगता है उसको इस बारे में कुछ बोलने का अधिकार। मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो छोड़िए, यहाँ तो डीएम और एसडीएम भी बहुत मुश्किल बैठ रहा है, ये स्थिति आ गई है, तो राजधानी का कहीं अता पता नहीं है। तो एक व्यथित हरीश रावत केवल अपने मन की शांति के लिए कुछ देर उपवास करेगा तो वीरचंद सिंह गढ़वाली के सामने उनसे क्षमा मांगेगा। गैरसैंण अब गर्मियों की राजधानी है पर आज भी इसके नाम पर धरने और प्रदर्शन नहीं रुक रहे। 12 साल पहले कैबिनेट मीटिंग से हुई शुरुआत से लेकर अब तक गैरसैंण बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।